फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अविक किचन। और आज हम बना रहे मेरा फेवरेट रागी पनीर का पराठा, और इसे हम सर्व करेंगे मखाना रायते के साथ। इस पराठे में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन है, कैल्शियम है, फाइबर है, और ये आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। आप इसे सुबह नाश्ते में बना सकते हैं या फिर दोपहर के खाने में बना सकते हैं, और यह आपको काफ़ी समय तक फुल रखेगा। इसलिए आप अगर वेट लॉस जर्नी पे हो तो आप इस रेसिपी को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले रागी का आटा गूंदने के लिए हम एक पतीले में 1 1/4 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच घी। ये घर पे निकाला हुआ शुद्ध देसी घी है। फिर हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच से थोड़ा कम नमक। जब पानी एकदम बॉईल हो जाए उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 कप रागी का आटा और इसे मिक्स करेंगे। आप भी इसी मेथड को फॉलो करके रागी की रोटियां पराठे बनाइएगा, आपकी रागी की रोटियां भी सॉफ्ट बनेंगी। अब हम एक थाल ले लेंगे जिसमें हम आटा गूंथते हैं, और उसमें ये मिक्सचर को हम निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसे गूंदेंगे। जब तक ये थोड़ा ठंडा होता है तब तक हम फटाफट से अपना मखाना का रायता बना लेते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा घी डाला है। फिर हम इसमें डाल देंगे मखाना। मखाना को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब मखाना अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। रायता बनाने के लिए एक बोल में हम डाल रहे हैं 1 कप दही। स्वाद अनुसार डालेंगे सेंधा नमक, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी को रायते की तरह एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें फ्रेश धनिया करके धो के डाल देंगे, और हमने जो मखाना रोस्ट किए थे वो भी डाल देंगे। मखाना को भी इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और हमारा प्रोटीन कैल्शियम से भरपूर और टेस्टी सा रायता तैयार है। इसे हम साइड रखेंगे और आ जाते हैं वापस से रागी और पनीर के पराठों पे। तो रागी का आटा अभी थोड़ा ठंडा हो गया तो इसे हम गूंद लेंगे। इन्हें अच्छे से नीड करना है, अपने आप ही आटा बंधने लगेगा। अगर आटा आपके हाथ पे चिपक रहा है तो थोड़ा सा घी लगा दीजिए अपने हाथ पे, फिर उसे नीड करिए। अब हम इस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब हम पनीर की फिलिंग बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे घर का निकाला हुआ पनीर लिया है। ये घर का निकाला हुआ इसलिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए मुझे यहाँ पे कद्दूकस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर आप बाज़ार से ले रहे हैं पनीर तो उसे ग्रेट कर लें। फिर हम इसमें डाल रहे हैं 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। फिर हम डाल रहे हैं फ्रेशली कटा हुआ धोया हुआ धनिया। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, फिर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे, और हमारी पनीर की फिलिंग रेडी है। अब हमने रागी के आटे को जो रेस्ट करने दिया था 15 मिनट बाद हम उसे फिर से नीट करेंगे, और उसके बाद उसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। आटे की लोई लेंगे और उसे सूखे आटे में डस्ट करके फिर वेलना शुरू कर देंगे। इसे थोड़ा सा वेल के फिर हम इसे फिलिंग डाल देंगे।
जो हमने पनीर की फिलिंग तैयार की थी वो भी हमने डाल दी है इसमें। अब हम इसे इस तरह से पैक कर देंगे। मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप के पराठे बना रही हूँ, आपको गोल बनाने हो आप नॉर्मल गोल भी बना सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल बाकी सारे पराठे बनाते हैं उसी तरह से। अब हम फुल फ्लेम पे पराठे को पका लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। और ये लीजिए हमारे टेस्टी टेस्टी और एकदम ताकत देने वाले पनीर रागी के पराठे तैयार हैं। साथ में हमने जो रायता बनाया था मखाना का वो सर्व कर देंगे और हमारा एक परफेक्ट पावर पैक ब्रेकफास्ट तैयार है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।